Hello everyone, good afternoon. Hope you all are fine and I welcome you all again to our travel special blog. और आज हम लोग जा रहे हैं स्टोन कुंभ महादेव जी के दर्शन के लिए. और अगर आप भी मेरी तरह महादेव जी के भक्त हैं ना, तो यहाँ पे आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए. एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और ये चैल पैलेस से 3 किलोमीटर आगे आना पड़ता है और रास्ते बहुत ही स्टिफ बनाए हुए हैं. अगर मेरी तरह कोई हैवी ड्राइवर है तो आत्मा से परमात्मा का मिलन आपका पक्का है, तो कोई एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर ही यहाँ लेके आए आप. और प्रॉपर रोड भी नहीं बनाया हुआ है यहाँ पे और कच्चे रास्ते ही मान लो. और ये देखो सामने एक छोटा सा सुंदर सा मिरर भी लगाया हुआ है और इतना सुंदर बनाया हुआ है, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के और सारा ही टेंपल ऐसे ही बनाया हुआ है. वर्क अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, टेंपल अभी पूरा नहीं हुआ है. और ये सिंगल मैन मेड टेंपल है और इनके सपने में महादेव जी आए और उनके कहने पे ये टेंपल उन्होंने तैयार किया. वाओ, मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है और ये सारा मंदिर उन्होंने अपने हाथों से बनाया बिना किसी हेल्प के. छोटी छोटी सी चीज़ें भी उन्होंने, ये देखो किस तरीके से डिज़ाइन की है यहाँ पे. इसके पीछे की स्टोरी उन्हीं से ही सुनते हैं. कैसे ये मंदिर तो बन गया ड्यू टू ड्रीम जी. मेरा प्लान था जी 80 के बाद में, 80 टच हुआ तो मैं जैसे इसकी कटिंग कर रहा था ग्राउंड की, तो मुझे ड्रीम आया उस साइड में देव. मैं जो डे टाइम में काम करके गया तो नाइट में मुझे उस ड्रीम आ गया, महादेव बड़े लाइव दिखे जैसे. बहुत थोड़ी देर को जैसे मैं आपका फिर चेहरा देख रहा हूँ ना, तो एकदम निकल गया वो, ऊपर नीचे देख ही नहीं पाए. बहुत थोड़ी देर का पल झपकी गायब हो गया था. रात को फिर ड्रीम आ गया. ड्रीम में क्या था, एक आवाज़ आती बड़ी अट्रैक्ट, जैसे भाई अरे मतलब अपनापन जिसमें हो और जैसे आपका अपना बहुत नियर का बोल रहा, अरे महादेव तो उठ के चले गए, ये बनाने को भूल गए. अच्छा. ये बड़ा इसने मेरे को झिझोड़ दिया. फिर मैंने लगा छोटा है क्या, फिर यार बड़ा तो वहीं बनाते हैं जहाँ मेरे को ड्रीम आया था ऊपर. फिर ये फ्रंट शिव जी के फ्रंट में आप खड़े होते हैं ना, वहाँ मेरे एक गोलक बनाया हुआ था जिसमें पैसे डालने लग गए थे लोग, लोकल ये 5-10 रुपए सिक्के. एक दिन मैं 12-15 दिन के बाद मैंने मूड किया ना, मैं क्या चल कलेक्ट कर लेते कितने, उन दिनों कोई आता नहीं था. तो मैंने कहा देखो उसमें नाग बैठा हुआ नीचे काला. अच्छा. तो फिर वो एक हैरानी करने वाली शिव जी के दर्शन हो गए बस. तो मैंने सोचा ना ज़्यादा बेटर तो ये बताया गया हमारे पंडित होते ना, इधर को बुलाया. फिर अपने जो हमारे कुलिष्ट के कुल के हैं ना जी, वो सब बता के उन्होंने बोला जी देखो यहाँ पर शंकर जी अकेले ही, ये तो शमशान में भी होते हैं. मैं आपको एक राय देता हूँ, इसमें महादेव के साथ पार्वती होती है. पार्वती होगी और वो इसके साथ करना पड़े, चाहे छोटे रूप में आते हरिद्वार जाना पड़ा जी. फिर इन तो उनके लग गए थे वहाँ. पांचवें दिन शाम को हम आ गए थे ये लेके शिव परिवार, उनकी कुछ मोतियाँ वगैरह होती जो सब प्राण प्रतिष्ठा की डाल डाल के चले गए. तो वो 16-17 दिन में टोटली वो ड्रीम में आए इस वजह से. हाँ, ड्रीम में आया तो ये मैंने रखा है. फिर यहाँ भी मैं कुछ अलग चीज़ डाल रहा हूँ, कुछ ड्रीम वाली बातें हैं, कुछ और बातें हैं, इमेजिनेशन. तो इसमें आपको बता रहा था अभी ये पहले से था कुछ चीज़ों का आपका. हाँ, कुछ ऐसे भी है और ये मेरा हाँ सब्जेक्ट ही है जी. फिर ऐसे ही चीज़ें मैं बनाया करता हूँ तो इसमें कुछ आपको अलग चीज़ें मिलेगी. इफ यू विल कम आफ्टर 2 ईयर तो नई चीज़ें. कोई बात नहीं, मेन मंदिर इधर है. हाँ, घंटियाँ वगैरह. ये देखो रुद्राक्ष, सीमेंट से रुद्राक्ष बनाए हैं खुद ने, है ना. मेहनत के नतीजे हैं ये, खुद हाथ से बनाई हुई हर चीज. ये भी पूजा के स्थान है. हर हर महादेव. और ये देखो सारा सीमेंट से उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ है और स्पेशली जगह बहुत ही खूबसूरत है और लोकेशन बहुत ही अल्टीमेट है. एक अलग सी वाइब है यहाँ पे और इतना पीसफुल है ना. और ये मेन मंदिर है यहाँ का पूजा के लिए. कितनी शानदार लोकेशन पे ये
ये देखो ये क्या है, ये वो बुद्ध है बेटा ना, ना की नहीं, ये तार के अंदर जटा जटा है इनकी। हाँ तार से पता नहीं देखो किस तरीके से बनाया हुआ है ना। हाँ ये नाग वगैरह बनाए हुए जो देखो है ना, आने आने दर्शन दो, मन मत दे दीजिए दर्शन। अंदर जा रही मंदिर, कितनी सुंदर है ना। ये देखो बेल्स देखो, ये देखो वो बता रहे थे ना वाला सिस्टम। ये रहा वो गुल्लक, और कितनी मेहनत की है ना ये वाली। यहाँ वीरभद्र गुफा ये वाली बताई थी उन्होंने कि अंदर जाके देखना। जाओ आप जाओ जाके हो कुछ नहीं था गुफा को, क्या गुफा में क्या है, चलो टॉर्च ऑन करता हूँ। अच्छा इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा, वाह इतनी ज्यादा ठंडी है अंदर, आके देखो। ये वीरभद्र गुफा है जो सबसे पहले बनाई है इन्होंने, और ये 500 मीटर लंबी है, और अंदर इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरे तो नाक ही बंद हो गए। तो ये नेचुरली इतनी ठंडी रहती है, और ये विदाउट सीमेंट के एक के ऊपर एक पत्थर रख के बनाई हुई है। मम्मी आते हैं बिल्कुल लास्ट में उसके ऊपर बनाया हुआ ना, और उसको देखो लुक कैसा दिया हुआ ना, लाइव लुक दिया हुआ जैसे डरावनी सी है ना। और पेट देखो थुलथुला, चार इंसान तो खा गई होगी। नहीं ऐसे नहीं बोलते, ये दानव है ये देवी। देखो लोगों ने तो यहाँ भी नहीं छोड़े, अपने नाम लिख दिए पत्थरों पे, देखो है ना, लोग कहीं नहीं हटते भाई। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग द टाइम टू जॉइन मी, एंड प्लीज लाइक शेयर माय ब्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।